नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में एक रहस्यमय मंदिर के बारे में बताएंगे। यहाँ का मंदिर एक प्राचीन और रहस्यमय स्थल है जिसके विषय में कई किस्से और लोक कथाएं सुनी जाती हैं। चलिए इस रहस्यमय स्थल के खोज में चलते हैं। यह मंदिर जग बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और यह मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर के अंदर आते ही मानो ऐसा लग रहा था कि हम स्वर्ग में आ गए हों। यह मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि आप इस मंदिर में जो मांगो वह आपको प्राप्त हो जाता है। इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानने के लिए हम जा पहुंचे मंदिर के पुजारी जी के पास। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर का रहस्य। ये बाबा जी हैं 22 पहाड़ियों के राजा गद्दी रूप में। पहले होते थे नाथूराम, जो कि इन्होंने मांग कर लिए पुजारी जी। क्योंकि पहले यहां पर एक बार क्या हुआ कि एक बार यहां आग लग गई थी आसपास के घरों में। यहां एक टोली हुआ करती थी और यहां पर बहुत सारे घर होते थे। और एक बार यहां आग लग गई, सभी चीजें जल गई आसपास की। दोबारा घरों को बनाया गया लेकिन दोबारा आग लग गई। दोबारा एक घर बच गया था और जो भी अंदर संदूक होते थे वो बाहर से देखने में एकदम ठीक लगते थे लेकिन अंदर का सारा सामान भस्म हो गया होता था। फिर यहां पर हवन करवाया गया। यहां पर नवरात्रों में भंडारा भी लगता है और करीब 8 से 10 हजार लोग आते हैं। यहां पर एक स्थान है जहां रहस्यमय पानी निकलता है। कितने के लोग यहां पे आते हैं भंडारे के लिए और कहां कहां से? बहुत बहुत दूर दूर से आते हैं। पानपुर, सुजानपुर, हमीरपुर, दिल्ली, बहुत से कुल्लू, मनाली, कई जगह से बड़ी बड़ी दूर से पब्लिक आती है। और बहुत कितने की जनता हो जाती है लगभग? लगभग जनता तो काफ़ी 8 से 10 हजार। 10-12 क्विंटल चावल लगते हैं। अच्छा, 10-12 क्विंटल चावल लग जाते हैं, तो इसका मतलब काफ़ी काफ़ी पब्लिक आती है। बहुत। तो ये पहले ये सड़क जो है वो कब बनी है? सड़क तो ये 15-20 साल हो गए। मतलब पहले पैदल आते पैदल आते हैं पहले। क्या नाम वो इससे पहले जो एमएलए था वो पंजकी वाले आत्म कैप्टन आत्मराम, उन्होंने निकाला है रोड। ये पहले पानी की बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ पानी जो अखाड़े से लाना पड़ता था, अब तो ऊपर टैंक बना दिया बाबा जी ने, अंदर पानी निकाल दिया है। कमरा लाया था अंदर बनाने का, उसके बाद जो है पानी निकल पड़ा अंदर। अब बाबा जी के स्नान के लिए चला रहता है 12 महीने पानी, जो बूंद बूंद जो है बरसात को तो बहुत ज्यादा, आजकल बूंद बूंद गर्मी होती है बूंद बूंद। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये चारों तरफ जमीन नीचे है। हाँ जी। और ये ऊंचाई पे है जगह, ऊंचाई पे ऊंचाई, लेकिन इसके बावजूद भी पानी जो है वो यहाँ पे निकला हुआ। पानी जो है वो वैसे ही मतलब निकला हुआ है और चला ही रहता है। हाँ जी, कुदरती कुदरती कमरा लाया ना बनाना अंदर, फिर पानी निकल पड़ा अंदर, वहीं से भी बोड़ी बना दी। अब अंदर ही पानी बाबा जी के स्नान के लिए सूखे सपड़ों में। और ये देखो सारी चट्टान नहीं है, ऊपर से कोई नहीं है, इधर पानी नहीं गिरता है, उधर अंदर ही है सर कमरे में। शुरू से ऐसे हुए, जम्मू से आए थे दो आदमी मनास, और एक बसिया मीरपुर और एक बड़ा है, वो ऐसे ही लोगों के साथ में काम करते थे। और उन्होंने देखा कि लड़का ठीक है, और अम्ब यहाँ से 10 किलोमीटर के ऊपर पहाड़ी है, वहाँ पर अम्ब नाम स्थान है, वहाँ पर वो क्या है वो पटियाल खरवाल है, उन्होंने लड़की दे दी उसको। और ये जो बेड़ू है स्थान, ये उन्होंने देश में दिया। और वो लड़की भी आई और ब्याह करके, तो वो लड़की के साथ ही बाबा जी आए। उस लड़की को कैसे वो क्या करती थी, वो पहले पूजा करती थी। ऐसे हुआ कि वो उसके पास दो महात्मे आए और उन्होंने बोला कि हमने रोटी खानी है। और उसने
बिठाया दिया बड़े, मतलब 700-800 साल पुरानी बात है ये, अभी की नहीं, अभी तो 1000 मतलब घर ही हो गया उसका, उसकी आगे बढ़ करके। और उससे पहले मतलब वो एक आए तो वो क्या थे, खुलवाड़ों की लड़की थी वो उसके पास दो महात्मे आए, उन्होंने कहा कि हमने रोटी खानी है। और उसने बोला बाबा जी बैठिए रोटी बनाती हूँ। पहले टाइम में तो आपको पता है सर, मना कोई नहीं करता था, जो भी था इच्छा अनुसार। उसने क्या किया, रोटी बनाई और उनको खिला दी बाबा जी को, मतलब परोसने ले गई। उसने घी लिया और घी दिया परोसा साथ में, उन्होंने कहा बच्चा और दो, दूसरी बार बोला और फिर बोला और दो, तीसरी बार बोला और दो, तीन बार मांगा और उन्होंने रोटी खाई और वो चल दिए। तो जब उसने वो मंगी देखी, मंगी होती है उस टाइम में, मंगी देखी तो उसने देखा तो ये तो भरी पड़ी है, खाली नहीं हुई। और फिर वो भागी घर से और उसने स्कार्टज पकड़ लाया किसी, और स्कार्ट में पकड़ लिया तो उनके पैर में पड़ गई, बाबा जी मेरे लिए क्या आदेश। तब उन्होंने दो पत्थर उठाए और उसको दिए, बोले इनकी पूजा करे कर तेरा कुल बढ़ेगा। और जब उसकी शादी हुई तो उनसे उनकी पूजा नहीं होती थी, वो डरे भाई ये पूजा करती हम कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। उन्होंने उसकी पालकी में डाल दी, और पालकी में डाल दिए और यहाँ बेड़ुए पर आए, बेड़ुए आई है, बेड़ू दान में दिया था उनको। और यहाँ पर तब से यहाँ तक और 600-700 साल से यहीं है, ये है मेन बेसिक इतिहास। और यहाँ से हमारा मणासंदा कुल जो है वो आगे इलाज हुआ, भी आप देख सकते हैं भाई वो पंच रुखिया क्या सिलाने के कहाँ तक बढ़ चुके हैं। तो बड़ा शुरू में यहीं आए थे, यहीं आया था, ये ओरिजिन स्थान है हमारा, मतलब आए जम्मू से हैं। दो आदमी, एक उमीरपुर में और एक यहाँ आया, उसकी शादी इन्होंने कर दी और यहाँ से तब से यहाँ से हम सब बढ़ गए आगे। इस टाइम तो हजारों में होंगे, हजारों में तो घर ही हो गए। तो लोग किस तरह की कामना लेकर के यहाँ आते हैं, किसी भी प्रकार की जो इच्छा मांगे, इच्छा पूरी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने विस्तार से बताया। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए अलविदा।